bro? Yo. What do you do for a living? Can you drop me to Expo? 150 rupees lega. Let's go. Hello. Hi. Where are you going? Expo. So we are going to Expo in the auto. Wallah. And this is Suparna. If you don't know, now you know. Oh my god. Oh my god. 2nd December, right? Yes. 2nd December. So National Day celebrations. और आज एक्सपो में आज फ्री है एक्चुअली, नो टिकट्स और बहुत भीड़ है आज. हर पैवेलियन ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली फुल पैक्ड है पूरा. बट हम लोग आज थोड़ा चिल कर रहे हैं और जो भी छोटे छोटे पैवेलियंस है घूम रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ऑटो में हैं. अभी ऑटो का मजा ले रहे हैं हम. हेलो ड्राइवर, थोड़ा धीरे चलो. दिस इज अभिषेक. तो हम लोग पहुंचने वाले हैं. कितना देर लगेगा? और पहुंच गए. ऑलराइट, हमारी राइड. पैसे कितने लोगे भैया? 150 रुपये. 150 रुपये लेगा? तो 150 रुपया. एक्चुअली इट्स अ फ्री राइड गाइस. बहुत अच्छा फायर वर्क होता है. अभी 7:30 या 7:50 के आसपास यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले हैं. तो वी आर स्टेइंग बैक. अभी हम लोग JBR नहीं जा रहे क्योंकि JBR ऐसे भी घर के पास है और मोस्टली आज 2nd है तो 3rd 4th को भी वहाँ पे फायरवर्क्स है. यहाँ का डेकोरेशन हमेशा ऐसा ही रहता है, 6 months तक ऐसा ही चलेगा. Because Expo site is anyway, it's very beautiful. शायद लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा है. हम लोग ने almost सारे pavilions almost cover कर चुके हैं. One life baby. Sahil Khan, we love you. और अभी यहाँ पे I think कुछ shows हो रहे हैं. मेरे पीछे आप देख सकते हो. यहाँ पे ऐसे डेली शोज, डेली परेड यहाँ पे होते रहते हैं. यहाँ पे ये है इधर कोरिया पैवेलियन.
डोम के जस्ट लेफ्ट साइड में है यूएई पेविलियन। और यूएई पेविलियन एक्चुअली एक फैल्कन के शेप में है, सामने से बहुत ही अच्छा दिखता है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली, इसलिए सामने शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। फायरवर्क्स खत्म। एक्चुअली किसी को मालूम नहीं था कहाँ पे होने वाला, इवन सिक्योरिटीज़ को भी मालूम नहीं था, सब डोम के पास खड़े थे, लेकिन एक्चुअली हो रहा था वो पीछे गार्डन इन द स्काई के पास। एनीवेज वी गॉट अ ग्लिम्स। यहाँ पे अभी कुछ मिनट पहले बहुत ज़्यादा भीड़ था, आने नहीं दे रहे थे, फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं। टाइम टू लीव, बट ये देख सकते हो आप मेरे पीछे वो डोम। सारे ही निकल रहे हैं क्योंकि आई थिंक ये सब फायरवर्क्स के लिए वेट कर रहे थे, तो जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म हुआ सब भीड़ पूरा एक साथ निकल गया। तो इसके बाद भी आई थिंक यहाँ पे पेविलियंस के टाइम, आई थिंक यहाँ पेविलियंस 9:30 को अराउंड क्लोज हो जाता है, लेकिन एक्सपो जो एरिया है यहाँ पे ये अराउंड आई थिंक 12:30 तक ओपन रहता है, 12:30 तक ओपन रहता है, इवन वीकेंड्स को 2 बजे तक भी ओपन रहता है। तो नेशनल डे के लिए स्पेशली आई थिंक और ज़्यादा एक्सटेंड किए होंगे ये लोग। लेकिन हाँ, इतना बड़ा एरिया है लेकिन आप एक बार में तो ये कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको बार बार आना पड़ेगा। और स्पेशली अगर ऐसे कोई ओकेशन में आते हो, कोई स्पेशल डे में आते हो, देन इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। आप जस्ट हल्का फुल्का घूम सकते हो, लेकिन पेविलियन ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे आप। वीकडे में आओ, मे बी आफ्टर नेशनल डे और एनी काइंड ऑफ इवेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कवर कर सकते हो। और एक स्पेशल टिप, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो एक खाली बॉटल लेके आना, क्योंकि यहाँ पे हर एक 100-200 मीटर की रेंज पे यहाँ पे पानी के छोटे छोटे टैप लगे हुए हैं, लोड कर सकते हो। और फ्रेश वाटर एक्चुअली सारे यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पानी का बॉटल आई थिंक 5 dirhams या 6 dirhams करके लेता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यू कैन एक्चुअली गेट योर ओन बॉटल। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं घर। लव, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।